सो हे गाइस, आपका स्वागत है एक और न्यू G5 की वीडियो में। एंड गाइस, पता है हमें फायर ब्रिगेड में नौकरी मिल चुकी है और सिंचन को भी मिल चुकी है, बट यार हम लोग लेट हो रहे हैं और ये सिंचन महाराजा अभी तक उठा नहीं है। सिंचन भाई साहब उठ जा भाई, प्लीज उठ जा। ए सिंचन उठ जा। अरे फ्रेंकली भैया, बस पांच मिनट, मेरा चॉकलेट चिप सप्ले में खत्म होने वाला है, मैं बस खत्म करके आ जाऊंगा। नहीं सिंचन, उठ जा जल्दी से। अरे नहीं फ्रेंकली भैया। अरे सिंचन उठ जा जल्दी से। अरे नहीं। अरे सिंचन उठ जा ना। नहीं, उठ जल्दी, उठ जल्दी उठ, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ए डंडा कहाँ है मेरा? डंडा लेके आ, नहीं छोड़ेंगे इसको, ले इधर। अरे उठ गया उठ गया। अरे बताइए क्या बात है, क्या बात है, गुस्सा क्यों करते हो फ्रेंकली भैया? अरे यार चल अब चुपचाप मेरे पीछे पीछे, पागल कितने दो। सुबह सुबह यार नौटंकी कर लेता है, सिर्फ सोता रहता है और सपने में सिर्फ चॉकलेट चिप्स खाता रहता है, पेट निकाल लिया खा खा के करके। अरे वो तो आपका हो गया, देखिए पूरा पेट निकल रहा है, एकदम मोटे वाले तोंद हो गए हैं। चुप हो जा, मैं जिम जाता हूं और बॉडी बनाता हूं। क्यों चॉप? हाँ जिम जाके बॉडी बनाते हैं। एक काम करिए ना बॉडी वाले इंसान, मेरा हग्गू साफ कर दिए ना। अरे यार इसको तो सिर्फ एक ही काम है, सुबह उठता है, खाता है, पीटता है, हगता है, फिर सो जाता है, इसे और कोई काम ही नहीं मिला है क्या सिंचन? अरे कुत्ते को और दे ही क्या सकते हैं, देखिए पीछे पीछे आ गया ना। तू भी भाग यहाँ से, भाग जो कुत्ता, वरना मैं तुम्हें बहुत बुरा मारूंगा, जो दिन भर हालत खराब करके रखता है। ऐसे मैं नौकरी पे जा रहा हूँ, आज सिंचन जल्दी गाड़ी में बैठ। भाई साहब हमें फायर ब्रिगेड का जॉब मिला है, बहुत जिम्मेदारी वाला जॉब है, इसे भाई यूं ही नहीं गंवाना, ठीक है ना सिंचन? अरे हाँ फ्रेंकली भैया, चलिए क्या करना है? अरे हाँ फ्रेंकली भैया, अब चलिए क्या करना है बताइए। अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, जहाँ भी यार हमें पता चलेगा कि भाई कुछ ना कुछ खतरा है या फिर आग लगा हुआ है, वहाँ पे हम लोग ये अपनी फायर ब्रिगेड को लेकर चले जाएंगे और उसके बदले हम लोग पैसे मांगेंगे वो लोग से। अरे हाँ ये काम तो बहुत ही अच्छा है और सच्चा भी है। अरे है ना सिंचन, मुझे भी लगता है बहुत ही खतरनाक है, और पता सायरन भी बजता है, मतलब सच में कमाल की बात है। अब चलो यार जल्दी से जाते और देखते हैं कहाँ पे आग लगी हुई है। कहीं पे आग लगी हुई है तो बताओ भाई साहब, हम लोग बुझाने के लिए आ जाएंगे, जल्दी बताओ कहीं पे आग लगी है। तो कहीं पे तो आग लगी ही होगी। अरे फ्रेंकी पे सामने देखिए, एक गाड़ी में आग लगी हुई है। अच्छा यार यहाँ पे आग लगी हुई है, चिंता मत करो आ चुका है सिंचन और फ्रैंकलिन तुम्हें बचाने के लिए। देख लेना मैं ये आग को बचा करके पूरे ये शहर को बचा लूंगा। ये बुझ जा आग, जल्दी से बुझ जा। आग बुझ गया ना, देखा यार हम लोग ने एक मिनट में ही आग को बुझा दिया, कितनी कमाल की बात है सिंचन, देखा हम लोग कितने होशियार हैं। अरे एक छोटी सी आग बुझाने में आप इतने होशियार बन गए? चुप हो जा सिंचन, लेकिन कम से कम मैंने कुछ तो किया, तुमने तो वो भी कुछ नहीं किया। अरे मैंने आपको बताया, आपको पता नहीं चला क्या? अरे यार चुप हो जा, गाइजर देखा वहाँ पे आग लगा हुआ था और हम लोग वहीं से जा रहे थे, इसीलिए यार हम लोग ने उस जगह को प्रॉपर तरीके से बुझा दिया और लोगों को बचा दिया। अब चलो यार एक चक्कर और मारते हैं और देखते हैं कहाँ पे आग लगा हुआ है। 15 minutes later. अरे ये क्या हो गया, पीछे भाई आग लगी और मेरी गाड़ी में भी आग लग गई। सिंचन ये क्या हो गया? अरे हाँ फ्रेंकली भैया ये क्या हो गया, पीछे आग लगी तो लगी, हमारी गाड़ी में क्यों लग गई, आपने कैसे बुझाया था? अरे गाइजर मैं बुझाने के चक्कर में थोड़ा गाड़ी के पास चला गया था और ये देखो थोड़ा सा ध्यान हटाने पर इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, मेरी गाड़ी में भी आग लग गई और प्लस यार लोगों की गाड़ी में भी आग पहले से लगी हुई थी, मेरा इतना लाखों का नुकसान हो गया सिंचन, अब बता मैं करूँ तो करूँ क्या? अरे हाँ अब तो हम लोग बेरोजगार हो गए, हमारे पास कोई नौकरी भी नहीं रही, यही एक हम लोग की आखिरी उम्मीद थी घर चलाने की, अब हम लोग घर कैसे चलाएंगे फ्रैंकलिन भैया? अरे यार मैं भी वही सोच रहा हूँ। भाई वो सब छोड़ो, सबसे पहले यार आग ही बुझा लेते हैं, मैं अपनी पहली गाड़ी में आग बुझाऊंगा, उसके बाद ये लोग की गाड़ी में आग बुझाऊंगा। भाई साहब उन लोगों के चक्कर में मेरी देखो क्या हाल हो गई, भाई मैं सोचा था कि सबकी मदद करूंगा आग बुझा करके, बट मुझे क्या पता था मेरी गाड़ी में आग लग जाएगी, देखो यार क्या होता है। इसीलिए मैं बोलता हूं गाइस, दूसरे को मदद करने से पहले अपने बारे में भी सोच लिया करो। अरे यार ये मैडम जी को क्या हो गया, इनकी गाड़ी में तो आग नहीं लगी ना? नहीं लगी। चलो यार दूसरे फायर ब्रिगेड वाले भी आ गए, ये हमारी मदद करेंगे, आ जा सिंचन इधर आ जा। भाई साहब यहाँ पे भी चलो जल्दी जल्दी आग बुझा देते हैं, हर जगह से आग बुझा देंगे और सब चीज को ठीक कर देंगे। भाई ये लोगों की गाड़ी तो हम लोग से एकदम मैचिंग थी सिंचन। अरे हाँ फ्रेंकली भैया ये लोग की गाड़ी तो हम लोग से मैचिंग थी, बट हमारी गाड़ी तो कबार बन गई। अरे हाँ यार अब पता नहीं गाइस हम लोग करेंगे क्या, ये लोग भी अपनी गाड़ी लेके चले गए एंड गाइस हम लोग फिर से बेरोजगार हो गए। भाई हमारे पास अब कोई भी जॉब नहीं बचा है सिंचन, अब करे तो करे क्या? अरे क्यों ना फ्रेंकली भैया हम लोग ऐसी गाड़ी और खरीद लेते हैं। भाई कैसे सिंचन, ऐसी गाड़ी हम लोग और कैसे खरीद सकते हैं? भाई हमारे पास तो पैसे भी नहीं है और फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी बहुत महंगी आती है, पता है ना तुझे? अरे खरीदने कौन बोल रहा है, हम लोग बोल रहे हैं कि चोरी कर लेते हैं, ऐसे भी फायर ब्रिगेड वालों लोग के पास इतनी सारी गाड़ी होती है, हम लोग एक दो चोरी कर लेंगे, क्या ही जाएगा। अरे हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं। गाइजर चलो एक काम करते हैं, फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी चुराते हैं, क्या ही मजा आएगा, है ना? आप लोगों को भी मजा आएगा ना, तो नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। अब चलो गाइज हम लोग चलते हैं फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी चुराने के लिए, बहुत ही कमाल का आइडिया, शुक्रिया सिंचन।
अरे मैं तो बोल ही रहा था, मैं बचपन से तेजी हूँ, आप मेरे से कभी पूछते ही नहीं हो। बस 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 बस, बहुत ज्यादा तारीफ हो गई, अब चुप हो जा। अब चलो यार जल्दी से अपना मिशन पे चलते हैं, आज बहुत ही तगड़ी तगड़ी गाड़ी चुराएंगे, वो भी फायर ब्रिगेड वाली। अरे फ्रैंकलिन भाई इस तरफ क्यों चल रहे, यहाँ पे क्या है, पता नहीं कौन से जगह पे चल रहे हैं। अरे सिंचान तुझे पता नहीं क्या, सामने फायर ब्रिगेड का ऑफिस है और मुझे पक्का यकीन है वहाँ पे कोई ना कोई फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी जरूर खड़ी होगी और वो गाड़ी को हम लोग जाके चुरा लेंगे। एक सेकंड गाइस यार, यहाँ पे तो सच में एक गाड़ी रखी हुई है। एंगे सिंचन जल्दी आ जा, देख ये वाली गाड़ी कितनी कमाल की है। सिंचन अरे आया आया, आप इतने बड़े बड़े पैर से इतना जल्दी जल्दी चल लेते, मेरे पैर तो छोटे हैं ना, तो मुझे धीरे धीरे आना पड़ता है। अरे यार चल यार छोड़, ये गाड़ी तो देख क्या ही कमाल की गाड़ी है, ऐसी गाड़ी तो यार मैंने आज से पहले नहीं देखी। लगता गाइजर ये पूरे तरीके से चाइना से अभी अभी इम्पोर्ट होके आया है। सच में यार ये खतरनाक गाड़ी है, आजा बैठते हैं अंदर। अरे हाँ सच में खतरनाक गाड़ी है फ्रैंकलिन भैया, मजा ही आ गया, मैं भी बैठता हूँ। अरे हाँ यार बैठ बैठ, चलो यार जल्दी से चलते एंगेज, देखते इसमें क्या क्या। ओ भाई साहब इसके ऊपर में तो भाई बहुत ही खतरनाक सा पानी वाला सिस्टम लगा हुआ है, एंगेज सायरन भी है जो सच में बहुत ही कमाल का, देख रहे हो गाइस यार क्या ही कमाल का। अब चलो इसे भी लेके चलते बाहर, देखते क्या ही होगा। अरे यार सिंचन ऐसा क्यों लग रहा है सामने कहीं पे आग लगी है। ओ नो गाइस यार यहाँ पे तो सामने आग लग हुई है, यहाँ पे सामने में गाड़ियों में आग लगी हुई है, लगता है ये आग बढ़ ना जाए, उससे पहले यार मुझे ये फायर ब्रिगेड की मदद से ये सारी सारी आग को बुझाना पड़ेगा पानी की मदद से। चलो यार सारी गाड़ी को बुझा देते हैं, तो वरना ये धीरे धीरे तो सारी गाड़ियों में आग लग जाएगा। अरे गाड़ियों वाले हट जाओ, देखने रहा यार यहाँ पे इतनी सारी आग लगी हुई है, मुझे कुछ भी करके सारी गाड़ियों को आग से बचाना पड़ेगा। ये लो ये लो ये लो, अरे बुझ भी रही है कि नहीं बुझ रही। अरे बुझ रही बुझ रही फ्रैंकलिन भैया, जल्दी करिए जल्दी करिए, आप गाड़ी धोने का काम करते थे क्या पहले। अरे हाँ पहले करता तो था, पर उससे इससे क्या मतलब है सिंचन। अरे जिस तरीके से पानी डाल रहे हैं अंदाज वही है, बस तरीका नया है। अरे यार सिंचन क्या ही बोलते हैं समझ नहीं आता, बट यार चलो जल्दी से भाई पानी तो मैंने बहुत जगह डाल दिया, अब ये लास्ट गाड़ी बची हुई है इसे भी भाई जल्दी से बुझा लेते हैं। एंड गाइस देखो, अरे यार ये अभी तक नहीं बुझी, क्या यार ये गाड़ी का क्या हाल है, भाई सब बुझ जा भाई। चलो फाइनली गाइस यार मैंने सारी गाड़ी को बचा दिया है, मतलब गाड़ी तो नहीं बची बट हाँ आग लगने से मैंने बचा दिया, और ये गाड़ी भी भाई सब क्या ही कमाल है, इसमें भाई अनलिमिटेड पानी रख सकते हैं। तो एक काम करते जल्दी से जाते और घर में जाके रख देते हैं, क्योंकि भाई हमें अभी फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी और भी चुरानी है, इतने से में हमारा पेट नहीं भरने वाला। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया का पेट नहीं, कुआं है कुआं, पानी डालते रहो भरेगा थोड़ी ना। चुप हो जा सिंचन, फिर यहाँ पे कुआं वाला बात निकाल रहा है, चुप हो जा। गाइजर जल्दी जल्दी मुझे घर जाना और ये इसको रखना है, और ये कुआं घर क्या क्या बोलता रहता है। अरे गाइजर इसे चलाना सच में कितना मुश्किल है, बट यार मजा भी उतनी आता है, लगता भाई साहब कि हम लोग बस चला रहे, वो भी पानी से भरा हुआ बस, लोग देख के डर जाते हैं बट चलाने में मजा बहुत आता है। चलो यार बस हम लोग घर आने वाले, इसे जल्दी जल्दी घर ले जाएंगे। भाई साहब इसकी ब्रेक इतनी टाइट है ना, मैं क्या ही बताऊं, ब्रेक लगती ही नहीं है, ऐसा है बता रहे मैं, ऐसा सीन है इसका। बट कोई नहीं, हम लोग बस घर आ ही चुके हैं, अब जल्दी से घर में जाएंगे और इसे भाई रख देंगे और निकल जाएंगे अपनी दूसरी फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी को चोरी करने के लिए। चलो गाइस यार जल्दी से घर चलते हैं। चलो यार फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं, अब एक काम करते गाड़ी को पहले ऐसे ही रख देते, बाद में कहीं और टाइप में रखेंगे। गाइस यार मेरी हालत देखो क्या हो गई है, छोड़ो यार अब आ जाओ बाइक ही से चलते हैं, क्योंकि भाई हालत बहुत खराब हो गई फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी चलाते चलाते, इतनी हैवी है ना मैं क्या ही बताऊं। सिंचन अंदर क्यों जा रहा है, अरे मैं सोचा कि एक चॉकलेट चिप्स का डिब्बा ले लूं। अरे यार पागल हो गया क्या सिंचन, इधर है इधर, मैं इधर हूँ, आजा बैठ जा। भाई साहब इसे हर टाइम चॉको चिप्स से सूझता रहता है, पता नहीं यार ये कब सुधरेगा, चॉको चिप्स से कब उबेगा। अरे मैं लाइफ टाइम चॉको चिप्स खा सकता हूँ, आपको पता नहीं क्या। भाई तू कुछ भी कर सकता है, मुझे नहीं पता। अब चलो यार जल्दी से जाता हूँ और अपनी दूसरी एक फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी चोरी कर लूंगा। गाइस आप सोच रहे होंगे एक तो मैंने चोरी कर ली, इतना में तो बात बन जाना चाहिए, बट नहीं 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 नहीं, मैं एक में खुश थोड़ी ना होने वाला, मैं चाहता हूँ कि बहुत सारा, बताओ क्यों, मैं भाड़े में लगा दूंगा ना। और हाँ भाड़े में लगाने के बाद फ्रैंकलिन भी उससे भी पैसा कमाएंगे। अरे यार सिंचन जोर जोर से बोल के सबको स्कीम बता दे, चुप हो जा सिंचन, ये काम सिर्फ हम लोग दोनों के लिए, बाकी लोग के लिए नहीं है। एक सेकंड भाई साहब मैं तो कहीं और जा रहा था, बट ये लाल कलर की गाड़ी, ये भाई ये फायर ब्रिगेड तो नहीं है, बट यार ये उसी की गाड़ी है बिना पानी वाली, ये लोगों को लेके जाती है, ये भी गाड़ी बहुत ही खतरनाक है, आजा सिंचन इसे भी चोरी कर लेते हैं। अरे वाह फ्रैंकलिन भैया, मतलब रास्ते में जो भी आएगा हम लोग सब चोरी कर लेंगे। अरे पागल सिंचन, रास्ते में जो भी आएगा उसे चोरी नहीं करेंगे भाई यार, बस ओनली फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी को चोरी करेंगे। तुमने वीडियो का टाइटल नहीं पढ़ा क्या। अरे हाँ मैंने देख लिया, थंबनेल भी देख के मुझे समझ में आ गया, आज हम लोग गाइस ओनली फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी ही चोरी कर लेंगे और कोई दूसरी गाड़ी नहीं चोरी करेंगे। अरे हाँ यार सिंचन अब बोले ना तू सही, एंगेज ये भी मालूम है फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी है, मतलब फायर ब्रिगेड वाले लोग तरफ से आती है, तो चलो यार इसे भी चोरी कर लेते, फ्री में मिल रही है तो क्या ही दिक्कत है, क्यों गाइस।
अरे हाँ, फ्री का माल तो हमें एकदम अच्छा लगता है। अरे यार चुप हो जा, सब कुछ चीख चीख के स्कीमें बताता है। छोड़ यार भाई साहब, इतनी गाड़ी हो जाएगी ना कि रखने का जगह ही नहीं बचेगा। एक सेकंड भाई, ये गाड़ी पलट क्यों जा रही है? फाइनल गाइस यार, मैंने गाड़ी को भी लगा दिया। अब चलो अपनी गाड़ी से जाते हैं, एक और खतरनाक फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी चोरी करने के लिए मजा आ जाएगा। चलो यार सिंचन आ जा। अरे हाँ चलिए चलिए, आज तो मजा ही आने वाला है। और यार देखना, जो हम लोग लास्ट वाली जगह जाएंगे ना, वो सच में कमाल का है। वो भाई एयरपोर्ट में जो फायर ब्रिगेड वाली होती है ना, वो थोड़ी सी कॉम्पैक्ट होती है, बट सच में बहुत ही खतरनाक होती है। वहाँ जाएंगे और एयरपोर्ट में जाकर के जल्दी जल्दी चोरी कर लेंगे। अरे वाह, एयरपोर्ट वाली फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी, ये तो कमाल की बात है, सुनने में भी मजा आ रहा है फ्रैंकली भैया। अरे हाँ यार मजा तो आने वाला है। चलो गाइस यार जल्दी जाते हैं एयरपोर्ट और वहाँ से जाकर के फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी को चोरी कर लेते हैं। एंड गाइस मैं एक चीज बात बताऊँ, फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी तो अच्छी होती है बट स्लो बहुत होती है। जैसी मैंने अपनी गाड़ी को चलाया, भाई क्या ही स्पीड आ रहा है मेरी गाड़ी में, देख रहे हो, ऐसा लग रहा है मेरी गाड़ी रॉकेट बन चुकी है। अरे चुप करिए, आपने ड्राइविंग लाइसेंस लिया नहीं और बात करते हैं? भाई साहब मैंने प्लेन का लाइसेंस ले लिया है, अब मैं प्लेन उड़ाऊंगा डायरेक्ट, देख लेना। चलो यार फाइनली हम लोग आ चुके एयरपोर्ट में। अरे चाचा खोल दीजिए, ये कभी भी गेट नहीं खोलते, बात यार बहुत ही बर्बाद आदमी है, मतलब कभी भी गेट नहीं खोलते हमारे लिए। अरे आपको वीआईपी थोड़ी ना जो आपके लिए गेट खोलेंगे, अब बताइए गाड़ी कहाँ पे? अरे यार ये तो रहा गाड़ी। गाइस यार फाइनली सामने गाड़ी मिल चुका है, अब चलो इसे भी चोरी कर लेते हैं। ये फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी भी कमाल की है, अब आ जाओ इसे चेक करते हैं। भाई ये कैसी गाड़ी है भाई, इसमें क्या क्या सिस्टम दिया गया? ओ भाई साहब इसमें भी खतरनाक सिस्टम दिया गया, अब चलो और भी चेक करेंगे। लेकिन यार ये गाड़ी दिखने में कितनी कमाल की है, और ये सिंचन ये तो फोर्ड कंपनी की है। अरे हाँ मैंने भी पढ़ा, ये तो सच में कमाल की है, फोर्ड कंपनी, ये तो इंडिया में थी ना? अरे हाँ यार सिंचन, इंडिया वाली कंपनी तो है बट इंडिया से जा चुकी है, तब भी इसे हम लोग इंडिया ही मानेंगे। क्यों गाइस, इंडिया मानोगे ना? आप लोग यार क्या बोलते हो फोर्ड कंपनी को, नीचे कमेंट करके बताना। गाइस यार आपको ये वाली गाड़ी कैसी लग रही है, ये भी नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। एंड गाइस ये गाड़ी ना बहुत ही हैवी है, इसे चलाना सच में बहुत ही मुश्किल है। एक काम करते घर ही लेकर जाते हैं, देख रहे हो कितने स्लो चल रही है गाड़ी, मतलब सच में बहुत ही स्लो है गाड़ी। अरे हाँ दोस्तों, चलने में ये वाली गाड़ी तो सच में बहुत ही स्लो है, हमें और फास्ट चाहिए। अरे सिंचन एक बात तो बता, अगर जो हम लोग पानी फेंकते हैं उससे हम लोग अगर पीछे फेंके तो गाड़ी तो बहुत ही स्पीड में चलेगी। अरे हाँ क्या ही दिमाग लगाए, करिए करिए। अरे ठीक है गाइजर, एक काम करते, जो पानी यार हम लोग आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, अब हम लोग गाड़ी के पीछे लगा देंगे और भाई गाड़ी का स्पीड बढ़ाएंगे। एक सेकंड भाई साहब, गाड़ी की स्पीड तो सच में बहुत ही कमाल की बढ़ गई थी, ये तो भाई चेक पोस्ट तोड़ के आगे निकल गई। अरे भाई साहब ये गाड़ी की स्पीड नहीं है, ये तो एरोप्लेन की है। अब चलो यार एक स्टंट करते, सामने जो रैंप है ना उससे हम लोग गाड़ी को कूदाएंगे। ये हट जाओ भाई, चाचा हट जाओ हट जाओ। ओ भाई साहब देख रहे हो गाड़ी क्या स्पीड में चल रही है, भाई साहब मजे आ गया भाई, ये तो हवा में चल रही है सिंचा। अरे हाँ ये तो हवा में उड़ने लगी, अरे क्या करे क्या करे। अरे यार मुझे भी समझ नहीं आ रही है क्या कर सकते गाड़ी का, भाई साहब ये तो हवा में उड़ने लगी, कोई बचा लो हमें। ओ भाई साहब ये गाड़ी में आग निकल रहा है क्या, ओ भाई साहब हमारे साथ हो गया क्या, भाई गाड़ी बचेगी ना? भाई साहब सच में हम लोग आसमान में टक गए, अब जल्दी जल्दी हमें नीचे उतरना पड़ेगा, चलो चलो नीचे चलो। भाई साहब इतनी हैवी गाड़ी है ना, इतना ऊपर से नीचे गिरने के बावजूद इसे कुछ नहीं हुआ, आसपास का सामान भी तोड़ दिया ये तो। अब छोड़ो यार, अब हम लोग फाइनली घर आने वाले हैं, अब चलो ये वाली गाड़ी को भी घर ले चलते हैं। एंड गाइस मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आज के इस वीडियो में हम लोग ने कौन कौन सी फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी को चुराई है। सच में यार कमाल का मजा आ गया आज चोरी करके, चलो यार जल्दी से घर चलते हैं। अरे हाँ फ्रैंकली भैया, सच में कमाल का मजा आ गया आज तो, सच में मजा ही मजा आ गया, आज हम लोग एरोप्लेन की तरह उड़े भी आसमान में। अरे यार ये किसी को बताना मत, ये हमारी घटिया से स्टंट थी, चुप हो जा सिंचन। सो गाइस यार चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हम लोग ने कौन कौन सी गाड़ी चोरी की। ये वाली बहुत ही बड़ी और बहुत ही अनलिमिटेड पानी को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ये गाड़ी यार बहुत ही फोर्ड कंपनी की और ये भी बहुत ही हैवी है, और भाई इसमें सीढ़ी भी लगी हुई है। और ये वाली जीप टाइप की है जिसमें भाई हम लोग मरीजों को भी ला सकते हैं, मतलब अब हम लोग यार जॉब की कमी नहीं है, हम लोग तीनों में से कोई भी जॉब कर सकते हैं और पैसे ही पैसा आएगा। अरे हाँ सच में कमाल की बात है। तो दोस्तों आप लोग नीचे कमेंट करके बताना कि आप लोग को ये तीनों में से गाड़ी कौन सी अच्छी लगी। एंड गाइस यार अगर आपको इस तरीके से वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। एंड गाइस हमें डिस्कॉर्ड और इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि हम लोग वहां पे भी खतरनाक खतरनाक आप लोग से बात कर सकते हैं। सो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय दोस्तों।